only type of caring guys existing in my life right now. Hello everyone, this is me Purva Ghosh and I'm back again with a new vlog. बहुत साल बाद या फिर मुझे ऐसा फील हो रहा है बहुत जन्मों बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ. फाइनली आई एम गोइंग टू डू इट टुडे. सो आज मैं अचानक से आ गई हूँ शॉपिंग करने के लिए और पहले की तरह इस बार भी अनप्लैंड यानी कि सडनली मुझे लगा कि मुझे जाना है और मैं निकल गई. सो आज मैं आई हूँ साउथ सिटी मॉल में. यू कैन सी, एंटर कर लेते हैं फिर अंदर का व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को. साउथ सिटी मॉल तो बहुत अच्छा एम्बियंस है, वो मैं आप लोगों को शो करूँगी. तो चलो अंदर चलते हैं. अंदर आ गई हूँ मैं आफ्टर चेकिंग. सो यू कैन सी अभी थोड़ा खाली दिख रहा है बिकॉज अभी आफ्टरनून का टाइम है और जैसे ही इवनिंग होना शुरू होगा वैसे ही भीड़ बढ़ने लगेगी लोगों की. सो गर्ल्स का काम ये होता है कि वो सबसे पहले मॉल में आकर वॉशरूम जाती है, ओके, अपना हेयर्स वगैरह ठीक करती है. तो मैं भी उसी ट्रेंड को ही फॉलो करने वाली हूँ. सो चलो थोड़ा सा देख लेते हैं हेयर्स एंड ऑल, मेकअप एंड ऑल ठीक ठाक है या नहीं, उसके बाद घूमना स्टार्ट करते हैं. ओके, सो लेट्स गो. और जहाँ पे मिरर दिखा वहाँ पे मेरा शूटिंग स्टार्ट. सो अब मैं डायरेक्ट आ गई हूँ फोर्थ या फिफ्थ फ्लोर, आई डोंट नो, जो भी फ्लोर है सबसे ऊपर वाले फ्लोर में, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खाना वगैरह मिलता है. क्योंकि मैं आफ्टरनून में आई हूँ अभी, तो बेटर यही है कि मैं पहले खा लूँ उसके बाद मैं शॉपिंग वगैरह करूँ, और एल्स मेरा फिर सर्वर घूम जाएगा और फिर कोई रहेगा नहीं मुझे बचाने वाला. सो यहाँ देखो एम्बियंस कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है गाइस यहाँ का एम्बियंस. ओके, बहुत सारे कैफ़ेज़, लॉन्च बार, फूड कोर्ट वगैरह सब है. तो यहाँ पर मैंने अपना खाना ऑर्डर किया है. बहुत ईयर्स बाद आई गेस पानी पूरी मैं यहाँ पर खाने वाली हूँ आज. तो लंच में मैं पानी पूरी एंड नॉर्मल चीज़ें खाने वाली हूँ आज. देखो आप लोग वन बाई वन, तो यहाँ पर रेडी हो रहा है मेरा. इतना कम पानी पूरी देख कर दिल में बहुत दर्द हुआ, ओके, बिकॉज 80 रुपीज़ का बस 6 पानी पूरीज. कैन यू इमेजिन, 10 रुपये में 6 मिल जाते हैं यार, ठीक है. तो ये देखो पानी पूरी आ गया है, लेट मी ट्राई. ये कैमरा फिक्स हो गया है. गर्ल्स अपना इतना बड़ा मुंह डेंटिस्ट के पास भी नहीं खोलती है जितना वो पानी पूरी खाने के लिए खोल देती हैं. ओके, सो डोंट जज, ओके, अगर मेरा खाने का स्टाइल आप लोगों को बुरा लगा तो. ओके, सो या तो कुछ खास नहीं था एकदम, मतलब 80 रुपीज़ पानी में गया, कुछ भी नहीं था, मसाला भी नहीं था, पानी भी इतना सा था, सिर्फ और सिर्फ 6 पीसेस ही थे. और फिर यहाँ पर आ गया पाव भाजी, ये भी मैं 4-5 साल बाद खा रही हूँ सडनली. दिस इज़ लुकिंग वेरी टेम्पटिंग, है ना, ऊपर से बटर. गाइस फूड ब्लॉगर बन जाऊँ कि आप लोग बताओ तो. फूड ब्लॉगर बनूँ या ना बनूँ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है. क्योंकि आजकल मैं ज़्यादातर, मुझे भी लग रहा है कि व्लॉग में मैं ज़्यादा खाने का ही शेयर कर रही हूँ. ओके, सो चलो खाना फिनिश कर लेते हैं फिर आप सबसे मिलती हूँ. सो देखो यहाँ पर क्या होता है कि जब मैं कहीं खाती हूँ, मतलब खाते टाइम कभी कभार मैं जोन आउट हो जाती हूँ, मतलब अचानक से खाना बंद कर दूँगी या फिर अपने वर्ल्ड में गायब हो जाती हूँ. ऐसा सीन अभी मेरे साथ हो रहा है कि मैं खाते खाते मुझे ऐसा मन कर रहा है कि मैं और ना खाऊँ, मैं खाना बंद कर दूँ और मैं बस बैठ जाऊँ और मैं कुछ सोचूँ ना, ठीक है. तो ये क्या आपके साथ भी होता है आप लोग बताना, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है. मेरे पेरेंट्स भी कभी कभार शॉक हो जाते हैं कि तुझे क्या अचानक से हो गया खाते खाते. ओके, सो ये देखो ये था एम्बियंस, ये फूड कोर्ट का एम्बियंस है. ओके, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, आराम से आप बैठ सकते हो, आराम से इंजॉय कर सकते हो. सो अब मैं शॉपिंग के लिए आ गई हूँ डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि मेरा प्री बर्थडे शॉपिंग का प्लान था. वैसे तो मैं मंथली शॉपिंग ही करती हूँ, एज सच कोई स्पेशल शॉपिंग नहीं है, लेकिन हाँ अब बर्थडे आ रहा है तो उसको प्री बर्थडे शॉपिंग नाम दे देते हैं थोड़ा सा रोल मारने के लिए. सो यहाँ पर शॉपिंग में मैं पैंटलून्स में सबसे पहले घुस गई हूँ, कुछ भी मुझे ढंग का मिल नहीं रहा है, ठीक है. और मैं जैसे ही गुजर रही थी तो मेरा अटेंशन जो है इसमें आ गया, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोला कि मैम हमारे यहाँ पर ऑफ़र है, क्या आपको लेना है. तो अब जब मुझे मेकअप का सामान दिख जाए तो मैं खुद को कैसे रोकूँ. प्राइस कत আছে রেঞ্জ 849 বাই 15% নিউট ব্রাউন শেডের উপর দেখাবো না, একটু ব্রাউন আর পিঙ্ক দুটোই দেখাবো, দুটো শেডের মধ্যে একটু অল্প অল্প দাও, বুঝতে প্রবলেম হবে. এটা
और यहाँ पर हो गया कन्फ्यूजन शुरू, बिकॉज मुझे सारे ही शेड्स बहुत प्यारे लग रहे हैं, डार्क कलर्स भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन डार्क कलर्स मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे पसंद नहीं है डार्क कलर्स के लिपस्टिक्स, बट स्टिल देन मुझे लगा थोड़े से लेना चाहिए, ट्राई एक बार करना ही चाहिए, तो मैंने डार्क कलर्स ही परचेज़ किया है। और अब मैं आ गई हूँ मेबलिन में, लेकिन लिपस्टिक के सारे स्वाचेस लेने के बाद मुझे एक शेड इतना ज़्यादा पसंद आया, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि वो शेड अवेलेबल ही नहीं है। तो बताओ इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। मतलब इतना बेकार शॉपिंग हो रहा है आज, मैं क्या बताऊँ। एनीवे आगे बढ़ के देखते हैं, शायद कुछ अच्छा मिल जाए। तो चलो अब ज़ारा में एंटर करते हैं, क्लोदिंग वगैरह देख लेते हैं। यहाँ पर तो बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं क्लोदिंग की, एक्सेसरीज़ की, शूज़ की, एंड एज वेल एज परफ्यूम्स एंड ऑल। सो लेट्स गेट इनसाइड। सो यहाँ इंटर मैंने कर लिया है और आप लोगों को पीछे दिख रहा होगा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ड्रेसेस, बट यहाँ पर मैं विंटर में आई थी, सो विंटर में जो स्टॉक था वही स्टॉक अभी भी है। शायद एक दो चीज़ यहाँ पर रिप्लेस हुई है, बट एज सच मुझे कुछ नया स्टॉक या फिर कुछ नया नज़र नहीं आया। बहुत सिमिलर से ही मुझे ड्रेसेस दिख रहे थे जो कि विंटर से कंटिन्यू हो रहे हैं, बट स्टिल थोड़ा सा ढूंढते हैं चलो, क्योंकि इतना सारे जब ड्रेसेस एक साथ रहते हैं तो ना कन्फ्यूजन हो जाता है, मतलब दिखता नहीं अच्छा वाला, फिर बहुत ढूंढना पड़ता है। तो वही मैं ढूंढ रही थी कि मेरी नज़र में कोई अच्छा वाला ड्रेस पड़ जाए, बट ऐसा हो नहीं रहा था। मैं बहुत ढूंढी, मतलब बहुत ज़्यादा ही, उसके बाद मुझे ड्रेसिंग में कुछ भी नहीं मिला। सो मैं अब यहाँ पर आ गई हूँ परफ्यूम सेक्शन में, परफ्यूम कोलोन जो भी आप कह सकते हो। ओके सो चलो देखते हैं कि कुछ अच्छे सेंट्स वगैरह आए हैं या नहीं, चेक करते हैं। सो इसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि जब आपके पास इतने सारे डेमोज़ हो तो आप किसी एक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हो, क्या पता जिस डेमो को आपने ट्राई नहीं किया वो सबसे बेस्ट सेंट निकले, ठीक है, उसका सबसे स्मेल जो है बेस्ट हो। सो यार हर एक को ट्राई करना इम्पॉर्टेंट है, और हर एक को ट्राई करना इतना ईजी नहीं है, बट या लेट्स डू इट। सो यहाँ पर कुछ कुछ नए मुझे परफ्यूम्स रेंजेस जो हैं वो नज़र आ रहे थे, जैसे कि ये ऊपर वाला अभी आपको दिख रहा होगा, तो मैंने चूज़ कर लिया परफ्यूम। अब फिर से मैं आ गई क्लोथिंग सेक्शन में कि कुछ तो लेना है यार, ऐसे कैसे। तो यहाँ पर मुझे कुछ शर्ट्स दिखे सैटिन वाले जो कि अच्छे लग रहे थे, तो मैंने ले लिया। और चलो आगे देखते हैं, और भी अगर कुछ होगा तो फिर ट्राई करेंगे एंड देन वी विल परचेस इट। सो गाइस, लाइफ में फ़र्स्ट टाइम स्मॉल साइज़ मैंने लिया, और वो भी मेरा ढीला हुआ। आई कैन नॉट इवन इमेजिन, मतलब मैंने ये सोचा भी नहीं था कि स्मॉल साइज़ मेरा इतना ढीला हो सकता है इतना ज़्यादा ढीला, आई डोंट नो, मतलब फिर एक्सेल या फिर लार्ज मीडियम कितना ज़्यादा बड़ा होगा। ओके सो मतलब ज़ारा के साइजेस शायद डिफरेंट है, बिकॉज मैंने ज़ारा के पहले परचेस नहीं किए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो या मुझे लगा कि साइजेस बहुत डिफर करते हैं बाकी ब्रांड्स से, बिकॉज इसका स्मॉल भी यू नो अच्छे अच्छों को फिट आ जाएगा। सो येस, माई शॉपिंग इज़ ऑलमोस्ट डन। ओके तो चलो अब बाहर निकलते हैं, बाहर और भी शॉपिंग करते हैं, बिकॉज आई एम नॉट सेटिस्फाइड येट, अभी मुझे खुशी नहीं मिली है, ठीक है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ ख़रीदा ही नहीं। मेरा बर्थडे मंथ है, उसके बावजूद भी मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा है, बहुत सिलेक्टिव हो गई हूँ आजकल मैं। ओके सो चलो थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं एंड देखते हैं कि और कौन से ब्रांड्स वगैरह हैं क्लोथिंग वगैरह के लिए। सो यहाँ पर मैं शॉपर स्टॉप्स में आ गई हूँ, यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे अलग अलग के। ओके सो पूरी तरीके से कंबाइंड जगह है जहाँ पर हर एक चीज़ आपको मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर भी मुझे कुछ नज़र में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। ओके एंड दिस इज़ सेफोरा, दिस इज़ माई लव, बट मुझे यहाँ पर कुछ परचेस करना नहीं था तो मैं नहीं गई। तो गाइस मुझे नहीं मिला कुछ कपड़ा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ओके सो अब मैं एकदम बेसमेंट में आ गई हूँ, मिनीसो, सबसे क्यूटेस्ट स्टोर आई कैन से, सबसे प्यारा स्टोर जहाँ पर आके आपको बहुत हैप्पीनेस मिलेगी, बिकॉज ये स्टोर का एक ही डेफिनेशन है, क्यूटनेस। देखो कितने क्यूट क्यूट सॉफ्ट टॉयज, कस्टमाइज चीज़ें बहुत इजीली मिलेंगी, बहुत क्यूट स्टफ्स, ओके गर्ली स्टफ्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पर, कप्स वगैरह है, स्टेशनरी के चीज़ें, परफ्यूम्स, कैंडल्स, मतलब ऑल अबाउट गर्ल्स आई कैन से, मेजर तरीके से मुझे जो दिखा। सो यहाँ पर मैं जो जो चीज़ें नेसेसरी थी रेगुलर बेसिस पे वो मैं यहाँ पर परचेस कर रही हूँ, जैसे कि मेकअप रिमूवर वाइप्स। ओके और यहाँ पर भी मुझे परफ्यूम्स दिखा तो मैंने ट्राई किया, परफ्यूम्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और यहाँ पर देखो नोटबुक्स है, पेंसिल्स है, कितने क्यूट क्यूट स्टफ्स है। देखो ये सब जब मैं स्कूल में थी तब मेरा मतलब लेने का मन करता था, लेकिन तब बहुत ज़्यादा ये कॉस्टली आते थे, लेकिन अब जब मैं ले सकती हूँ तब लग रहा है कि उम्र बीत गई है।
और अब आ गया है मेरा फेवरेट सेक्शन जो कि है कैंडल्स का, डिफ्यूजर्स का, मिस्ट्स का, ओके एंड रिफ्रेशनर्स का। बहुत ही ज़्यादा वैरायटीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ओके सो मैंने यहाँ से भी परचेस कर लिया है और शॉपिंग इज़ ऑलमोस्ट डन मिनिसो से, तो चलो बिलिंग करवा लेते हैं। तो गाइज शॉपिंग यहाँ से हो गया, लेकिन स्टिल मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ बिकॉज कुछ भी मैं ढंग का नहीं ख़रीद पाई हूँ, मुझे कुछ ढंग का मिला ही नहीं इतने आउटलेट्स ब्रांड्स होने के बावजूद भी। ओके मेरे बर्थडे मंथ में मैंने अपने लिए कुछ लिया ही नहीं ढंग का। ओके तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो थोड़ा सा चिल करने के बाद अब मैं फिर से आ गई हूँ, फिर से ढूंढ रही हूँ कि एटलीस्ट कोई अच्छा मुझे आउटलेट या अच्छा सा मुझे मिल जाए शॉप, तो मैं कुछ और ज़्यादा ख़रीद लूँ। बट ऐसा हुआ नहीं और फाइनली मैं दुखी होकर घर आई हूँ क्योंकि मेरे मन के मुताबिक शॉपिंग नहीं हो पाई। तो यहाँ पर मैं फिर से ऊपर आ गई हूँ जहाँ पर फूड्स वगैरह अवेलेबल है कुछ और ऑर्डर करने के लिए। सो यहाँ पर भी मैंने ऑर्डर कर दिया KFC से एंड मैंने अपना खाना ले लिया है और अब मैं थोड़ा सा बैठूँगी बिकॉज अब बाहर आई हूँ तो थोड़ा सा यहाँ चिल करते हैं। और तो यहाँ बस यू नो इन्जॉइंग माई ओन टाइम आई कैन से, यहाँ पर बस बैठी हूँ एंड यू नो रिलैक्सिंग। तो यहाँ बाहर की तरफ आ गई हूँ, देखो सीन कैसा आपको दिख रहा है। बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है, कुछ अच्छा हो या ना हो एम्बियंस बहुत अच्छा है। और खाना वगैरह ये सब के लिए तो सबसे बेस्ट है, ठीक है ड्रिंक्स वगैरह के लिए सबसे बेस्ट है। तो यस शॉपिंग इज़ ऑलमोस्ट डन, अब मेरे और भी कुछ कुछ काम है बाहर में जो कि मैं पूरा कर लूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी सीधा घर। तो ये प्री बर्थडे शॉपिंग था जो कि पूरी तरीके से एक फेल्ड शॉपिंग की तरह हुआ, जिसमें मुझे कुछ भी ढंग का नहीं मिला, कुछ भी ढंग का नहीं ले पाई। पूरी तरीके से डिससेटिस्फेक्शन के साथ मैंने शॉपिंग कम्प्लीट की, कम्प्लीट तो नहीं कहूँगी अभी और भी बहुत कुछ खरीदना, तो देखते हैं कहाँ से खरीद सकती हूँ। तो दिस इज़ द ब्लॉग, आई होप यू लाइक इट, प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।